गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको भी थक कर नहीं बैठना है, बस अपने कर्तव्य के मार्ग पर धीरे धीरे से चलना है, दौड़ना नहीं है। आएगा, मैं था आपको जरूर आएगा। आप आज देखेंगे दूसरी क्लास DLED फोर्थ सेमेस्टर की मैथ होगी, सेकंड चैप्टर होगा। ये आज पहली क्लास है, एक प्रकार से दूसरी क्लास नाम तो है इसका, बट ये पहली क्लास है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले क्लास में हमने आपको सिलेबस दिखाया था। पहला चैप्टर करड़ी वाला हम छोड़ रहे हैं, उसको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें जो है टफ लगता है कि उसको आपको सिखाना बाद में ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले नहीं। तो पहले वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की बात करेंगे। वर्ग मीन्स स्क्वायर, वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक, ध्यान से देखना। यहाँ डेफिनेशन और परिभाषा का कोई विशेष मतलब नहीं है, आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, लेकिन बता देते हैं। क्लास को पूरा देखना, 10 मिनट में आपको इतना पढ़ाएंगे कि आप बाद में एक घंटा पढ़ोगे तब उतना जाके पूरा होगा। तो इसलिए मत सोचना कि 10-15 मिनट की क्लास में क्या पढ़ा देंगे, ठीक ना। किसी संख्या को आपस में दो बार अगर गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका वर्ग कहलाती है। इसी तरह की इसकी भी क्यूब की भी परिभाषा हो जाएगी, ठीक ना। दो का दो में गुणा किया, चार आया। चार क्या है? दो का वर्ग है। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर। डेफिनेशन पढ़ने से कोई विशेष मतलब नहीं है, क्लास पूरा देखना, गारंटी 100% होगी, आपको आएगा। देखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ पते की बात बताने वाले हैं। संख्या अर्थात नंबर, वर्ग यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। जैसे कोई भी संख्या अगर आप पकड़ते हैं, उसका वर्ग करते हैं और फिर उसका वर्गमूल कर देते हैं तो संख्या पुनः अपने रूप में आ जाती है। जैसे हमने दो लिया, दो का अगर वर्ग करेंगे मतलब दो का घात दो, ठीक है, और दो के घात दो का आप वर्गमूल करोगे तो फिर दो आ जाएगा। देखिए, एक्चुअली दो की घात दो का मतलब चार आएगा, और इसे आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि चार का वर्गमूल, और जब चार का वर्गमूल निकालोगे तो दो आ जाएगा। कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा कि ये चार का वर्गमूल आखिर भला दो कैसे होता है, उसको भी दिखाएंगे, थोड़ा सब्र बनाए रखना। तीन लोगे संख्या, तीन का वर्ग करोगे मतलब तीन का घात दो, तो ये नौ हो जाता है। अब ये नौ कैसे होता है ये भी आपको दिखाएंगे, अभी देखते रहना। और फिर जब आप इधर नौ का वर्गमूल करोगे तो फिर से तीन आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी नंबर लीजिए, उसका वर्ग करिए और फिर उसका जो वर्ग आता है, जैसे फोर आया, वर्गमूल करोगे तो फिर से वो संख्या आ जाएगी। अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे और किस तरह से आप लोग वर्गमूल करते कैसे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना। जाना मत कहीं पर, क्लास थोड़ा लंबा कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये रहता है ना कि बहुत छोटी क्लास है तो चलिए बड़ा खींच देते हैं, ये मिटाने उटाने वाला काम आपके सामने नहीं करते थे तो आप लोगों को लगता था क्लास बहुत छोटी है। चलो, हाँ, अब वर्गमूल करना दिखा देता हूँ मैं आपको। वर्गमूल करना, जैसे पहले एकदम छोटा से चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। फोर का वर्गमूल कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना। ये ऐसे एक कॉलम बनाते हैं, नंबर ऐसे लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं, संख्या जो भी होगी उसको पहले दो से भाग करेंगे। ये दो का भाग करोगे, इसमें दो दूना चार, कितना बार गया? दो बार गया ना। जिस संख्या से भाग किए हो उसको इसके सामने लिखना, और जो ऊपर गया है ना ऊपर, उसको इसके नीचे लिखना। अब फिर यहाँ पर जो संख्या आई है जैसे दो, उसको फिर से भाग करोगे आप दो से, एकदम जीरो से बताएंगे आपको। तो दो एक कम दो, घटा लोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने दो से भाग किया, ऊपर कितना आया? वन ना, वन को इसके नीचे लिखोगे। जब एक आ जाएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे, एकदम बेसिक फंडा बता रहा हूँ वर्गमूल का। अब क्या करोगे, संख्या चार थी ना, इसके आगे आप इसको लिखोगे दो गुणा दो, दो ही बार तो था ना, इसमें अंडर रूट लगा था, इस पर फिर क्या करोगे, अंडर रूट लग गया। वर्गमूल के अंदर दो दो नंबर का पेयर बनता है, पेयर मतलब जोड़ा, कपल मतलब भी जोड़ा होता है, बट यहाँ पेयर बोलेंगे। तो इसमें से एक दो बाहर निकल जाएगा और वो रूट से बरी हो जाएगा, यानी कि एक आ गया, उत्तर आ गया। ये बिल्कुल शुरू से है, एकदम बेसिक। अगर आप कक्षा दो में पढ़ोगे, तीन में, तब भी आपको कोई ऐसे ही बताएगा, जबकि आप तो मास्टर बनने वाले हो, ठीक ना। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आगे थोड़ी नंबर ले लेते हैं बड़ा सा। देखिए, एक्चुअली होता क्या था, टाइम हम अपना 60 मिनट लगाते थे आपकी 15 मिनट की क्लास को रिकॉर्ड करने में, लेकिन
ये मिटाते थे तो रोक देते थे, बगल में असिस्टेंट होते थे, फिर हमने कुछ लिखा बीच बीच में रोकते थे, टाइम हमारा लॉस होता है ना। आप लोग सोचते हैं कि भाई 10 मिनट में का पढ़ा दिया, तो ऐसे आपके सामने मिटाएंगे तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा। तो आप लोग जैसा चाहोगे हम वैसे देंगे आपको। इस तरह से आप 9 का वर्गमूल निकाल लोगे, बताना करके, ठीक। थोड़ा बड़े चलेंगे आगे, तो अगर यहाँ पर हम 121 की बात करें, वैसे तो हमने आपको रटा दिया है ना पहली क्लास में कि 20 तक का वर्ग रट लो आप लोग, है ना। तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 11, बिना हल किए देख करके बता देना। PBR स्टडी के स्टूडेंट्स को इतना आना चाहिए। 361 है तो क्या होगा, 19 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। 324 है तो क्या होगा बताना, 18 का कितना होगा। अरे 18 ठीक, तो 44 के 4 हासिल आया, 14, 18 कम 18, 14 32 होता है कि नहीं। तो ये सब तो आप लोगों को रटा होना चाहिए। अब बात आती है थोड़े बड़े नंबर लेके चलते हैं, क्योंकि छोटा तो आप सब लोग कर लेंगे, है ना। तो पहले हम वर्गमूल को ही एक तरफ करते हैं, बाद में और आगे चलिए। अब इसके आगे हम आपको दिखाते हैं, देखिए एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। उस तरह से आप वर्गमूल बताएंगे 4900 का, 6400 और 2100 का, ठीक ना। अब थोड़ा तार्किक सवाल करते हैं, देखो डायरेक्ट हो सकता ना आए परीक्षा में आपके, तो वो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो 36 होगा, बताइए। वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या में गुणा करें तो 36 होगा। हर कोई सोच सकता है यार छोटा सा ये, 6 को 6 में गुणा करोगे 36 होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में ही 6 का गुणा करोगे तो 36 होगा। बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको आपस में गुणा करोगे तो 36 आएगा, कोई नहीं है। अगला, वो कौन सी संख्या है, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा इसको ऐसे कैसे लगा दिए कोई बिना रूल का, तो मैं इसको पहले बता देता हूँ। देखिए कह रहा कि वो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी में गुणा करें तो 36 आएगा। तो मान लो कि वो क्या है, वो संख्या x है, तो चलिए 6 से गुणा करना है x में, बराबर कितना आएगा 36, ये तो कह रहा था ना। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 36/6 होगा, काटोगे तो 6 आ जाएगा, यानी फाइनल में x इक्वल कितना आएगा, 6। बात समझ में आई। अगला, वो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल 8 होगा, बताइए। उसी संख्या से गुणा करें और फिर जो गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल 8 आएगा। अब आपके मन में जो सवाल होगा उसका आंसर तो तुरंत आ गया, वर्गमूल 8 आएगा या 8 होगा, पहले से कह रहा है। खुद से सोच लो कि भाई 8 किसका वर्गमूल होता है, 64 का होता है, एक यूनिक नंबर है, है ना, 64 का होता है, और इसका मतलब जो गुणनफल है वो 64 आ रहा है। कह रहा कि कौन सी संख्या जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 64 आएगा। अब बताओ किसको खुद में गुणा करने पर 64 आएगा, 8 का 8 में गुणा करोगे 64 आएगा, और 64 का वर्गमूल फिर से 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर मानोगे कि माना वो संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स का क्या करोगे, उसी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आएगा, मतलब समझना अभी यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा समझना फिर आपको बताते हैं आगे। देखिए ऊपर वाला भी आपको इसी रूल से लगाना था, ऊपर वाला भी जो है आप यही रूल लगाएंगे। कह रहा कि कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल 8 होगा, तो उसी संख्या से गुणा करें, संख्या हमने एक्स मान लिया तो यक्स को यक्स में ही गुणा करो, तो और प्राप्त गुणनफल का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि इधर जो है वर्गमूल जो आ रहा है प्राप्त गुणनफल का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब आप सोचिए वर्गमूल 8 कब होता है, वर्गमूल 8 कब होता है, जब 64 आता है ना, इधर साइड देखो 64 आता है ना, तभी होता 8। तो यहाँ पे आप इसको 64 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक ना। तो ये x का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, x बराबर इसको आप 8 लिख सकते हो। कई तरीके हैं लगाने का, फिलहाल इसको टेंशन मत लेना इससे। इसी तरह से आप ऊपर वाला जो है यक्स ही इसको मान सकते हो, ज़्यादा आसान रहेगा, तरीका भी सही रहेगा। यहाँ पर आप यक्स का यक्स में गुणा करोगे, फाइनल में आपका यक्स का स्क्वायर आएगा, यक्स का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ से आप यक्स का वैल्यू निकालोगे तो 6 आएगा। बात समझ में आया ना, तो मतलब कुल मिला के वही सब होगा। अब चलिए हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, पूरा देखना, क्लास को मिस मत करना बीच में। इसी तरह से आप भिन्नों का भी वर्गमूल कर लेंगे, ठीक ना। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, जैसे 3/4 है, इसका घात 2 है, मतलब ये वर्ग है,
तो क्या होगा इसका मतलब कि 3 का 3 में 2 बार गुणा हुआ, 4 का 4 में 2 बार गुणा हुआ, यानी कि 3/4 को 2 बार आपस में गुणा कर लिया, ये 9/16 आ गया। अब अगर इसका वर्गमूल करने की बात बोलें √9/16 तो कैसे करोगे? आपको 9 का वर्गमूल करना है 3 हो जाएगा और 16 का करना है 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका आप वर्ग और वर्गमूल दोनों कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई आपको दूसरा सवाल दे दे कितना, तो इसको कैसे करोगे? इसको भी वैसे कर लेना है आपको, 7/3 को 2 बार मल्टीपल करना है, क्योंकि इसकी घात 2 लगी है ना। 7 का 7 में कर लो और 3 का 3 में, क्योंकि हमने आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया ऑलरेडी ना। अब अगर आपसे कहीं वर्गमूल पूछे कोई, या कहीं निकालना हो 49/9, एक बात याद रखना, ये जो वर्गमूल की डंडी है ना, अगर ये बीच वाली लाइन तक आती है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का आंसर हर दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। और हाँ, इन दोनों में अंतर है, अगर ये 49 ऐसे होता है और यहाँ 9 होता है, इसका मतलब ये केवल अंश का वर्गमूल करेंगे, हर का नहीं करेंगे। ये बहुत छोटी बात है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो नीचे तक आ रही है डंडी, यहाँ पर भी देखो नीचे तक आ रही, मतलब दोनों का वर्गमूल होगा, बट यहाँ पर देखो एकदम ऊपर है ना, इसका मतलब केवल एक का होगा। तो ये मतलब समझना आप लोग, भिन्न में क्या करते हैं, इसमें 49 का आप वर्गमूल अलग से करोगे, 7 आएगा जो कि आप देख सकते हो करके, 9 का करोगे तो 3 होगा, इस तरह से 7/3 ये आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स हैं जिन्हें आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं घनमूल की, चलिए ठीक है, क्यूब की बात करते हैं बिना वीडियो को रोके पुश किए हुए। आप लोग जल्दी से और फास्ट किया करिए, क्योंकि जब वीडियो को रोकने का टाइम नहीं देते आपको, तो आप थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करिए, ठीक ना। अब चलिए क्यूब की बात करते हैं, क्यूब मतलब घन। अब ये घन क्या होता है? लोहार का घन नहीं, 100 सोनार की 1 लोहार की, सुना है कि नहीं? देखिए इसका मतलब, जैसे घन क्या होता है, किसी भी संख्या का 3 बार आपस में गुणा कर देने पर जो गुणनफल आता है वो उस संख्या का घन कहलाता है, क्यूब। तो 9 का जो है 3 का घन क्या होगा? 3 × 3 × 3 मतलब 3 × 3 = 9 × 3 = 27। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3 का घन 3 का है किया, मत करो 3, 2 कर लो ना। इसमें सभी की घात 3 ही लगेगी, चाहे जो संख्या हो, क्योंकि घन का मतलब होता है 3, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो 2 का अगर 3 बार आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8। उस तरह से आप 5 का भी कर लो, ये देखिए 5×5 = 25, 5×5 = 125। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या का जब क्यूब करते हैं तो उसको 3 बार गुणा करते हैं, अगर यही क्यूब रूट की बात करें तो। चलो ठीक है, हमने ले लिया 125, 125 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में ध्यान देना, या तो लिखा रहेगा कि घनमूल निकालिए, या फिर यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, यही अंतर होता है। अगर हमने ऐसे लिख दिया, मतलब एग्जांपल के लिए 125 लिख दिया, यहाँ पर कुछ ना लिखा, तो इधर भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये वर्गमूल करा जाएगा, घनमूल नहीं, क्योंकि घनमूल में हमेशा यहाँ पर 3 लिखा होगा। अगर यहाँ 3 नहीं लिखा तो इधर लिखा होगा इसका घन बताओ, ऐसा कुछ लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो वर्गमूल मानते हैं, ठीक ना। अरे वैसे जी एक मिनट, जैसे अगर 4 लिखा है तो ये क्या है? +4 माना जाता है ना, चाहे यहाँ पर अगर प्लस लगा दो तो कोई गलती नहीं है, बट अगर माइनस लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, तभी कोई माइनस मानेगा, वरना अगर वैसे 4 लिख दोगे तो कोई माइनस ना मानेगा। मतलब धन का चिन्ह छिपा रहता है, वैसे इसमें अंडर रूट में जो है स्क्वायर छिपा रहता है, लेकिन अगर क्यूब दिखाना है तो 3 लिख के दिखाना होगा या फिर लिखना होगा। तो इसको करते कैसे हैं ज़रा देखना, आपके सामने ही हम आपको करके दिखा रहे हैं, बस देखते रहना। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक्चुअली ऐसे ही फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका भी गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद में आगे की प्रक्रिया करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये ऐसे 25 का 5 में गुणा करोगे 125 आएगा। अरे जी ऐसे करते हैं जैसे अभी उधर करा था ना, ये 125 का कर लो, 5 से ही कटेगा, 5 × 10 = 25, फिर 5 से कटेगा 5×5 = 25, 5×1 = 5। यही जो नंबर इधर कट के आते हैं वही नीचे लिखे जाते हैं इधर साइड में, और हाँ इसमें 3×3 का जोड़ा बनता है। तो ये देखो 125 का घनमूल 5 आ गया ना। तो ये पहला चैप्टर है डीएलएड वालों के लिए, घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल।
जो आप लोगों ने देख लिया, क्लास भले छोटी हो लेकिन टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये डीएलएड वालों के लिए ही नहीं है बल्कि सभी के लिए है। बेसिक कॉन्सेप्ट टेट सी टेट एसएससी बैंक रेलवे सब के लिए है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट रूट एंड नॉन परफेक्ट रूट। देखिए परफेक्ट रूट का मतलब समझना पूर्ण वर्ग संख्या, कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकालिए तो पूरा पूरा आ जाए, एक पूर्ण संख्या आए वो परफेक्ट रूट होता है। जैसे अगर हम आपको बोलें कि चार का वर्गमूल निकालिए तो सभी बता दोगे कि चार का दो होता है ना। अगर हमने कहा कि नौ का वर्गमूल बताओ तो नौ का बता दोगे तीन होता है ना। लेकिन अगर हमने कहा सात का वर्गमूल बताओ तो कोई बता पाएगा नहीं, चूंकि सात का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो सात क्या है, एक प्रकार से ये परफेक्ट रूट नहीं है। इसको तो छोड़ दो यहीं पर, अभी आगे समझते चलना। जैसे अगर बड़ी नंबर में लेकर के चले हम आपको तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा ना। लेकिन अगर हम आपसे 35 का वर्गमूल बोलें तो कर लोगे कोई नहीं, क्यों नहीं, चूंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा, ये परफेक्ट रूट नहीं है। वो हम आपको करके दिखा देते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। 36 का पहले करेंगे फिर 35 का, इसको दो से काटोगे 18 आएगा, फिर दो से काटोगे 9 आएगा, फिर तीन से काटोगे 3 3 9 और फिर तीन से, यानी कि फाइनल में आपका जो आएगा नीचे वो 2 × 2 × 3 × 3 ये आपको मिलेगा। इसमें 2 2 का आप फेयर बना लोगे तो 1 2 निकल जाएगा, उसमें से 1 3 निकल जाएगा, तो वर्गमूल हट जाएगा इस पे से। कुल मिला के फाइनल में 6 आ गया ना, आया ना। चलो ठीक है, अभी आगे से हटेंगे तो आप लोग नोट करना। उस तरह से आप 35 का करके देखो तो जी, ज़रा सा 2 से काटोगे तो 35 पहला नंबर तो डिवाइड नहीं होगा और पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। 3 से भी नहीं होगा, 4 ये 5 से होगा, 5 7 जा और 7। ज़रा ध्यान से देखिए 5 और 7 आ रहा है ना, तो इसमें अब अगर आप इसका पेयर बनाओगे 5 और 7 का तो ना तो 5 का पेयर बन रहा है ना 7 का बन रहा है, क्योंकि 5 भी अकेला है 7 भी अकेला है, तो ये कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये दोनों जोड़ी में थे ना, पेयर था ना दोनों का अलग अलग, एक जोड़ा से इसमें से 1 2 निकल गया, इसमें से 1 3 निकल गया, तो मिला के 6 हो गया। बट इनका तो कोई है नहीं साथी आगे पीछे, तो कैसे निकलेंगे ये नहीं निकलेंगे, ये एक आपस में ही इसी में बने रहेंगे और 35 का उतना ही आएगा। तो ये जो संख्याएँ हैं 35 जो है, 7 जो है, या फिर आप इसमें 41 ले लो, कुछ भी नंबर जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं होता है वो नॉन परफेक्ट रूट होते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, और कुछ संख्याएं हैं जैसे इसमें शुद्ध और अशुद्ध भी होता है, उसको इतना डिटेल में हम आपको यहां पर नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो बताइएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा, चूंकि ये डीएलएड के बेस पे चल रहा है। अगर आप बेसिक मैथ देखेंगे 0 लेवल का तो उसमें भी आपको बताया जाएगा। इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, देखिए लाइट थोड़ा जा रही आ रही है, अंतर क्या होता है उसको भी देख लेना। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर 256 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा बताइए, ये तो 14 का शायद होता है ना, आप लोग इसको कर ले जाओगे, इसको छोड़िए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 280 ले लीजिए, 280 इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो 2 से काटेंगे, ये देखो आ गया, फिर 2 से काटेंगे और फिर 2 से काटेंगे, देखते जाना, 5 से काटोगे और फिर ये आया ना, ठीक। अब अगर हम इसका वर्गमूल की बात करें तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 5 और 7, 3 बार था और 5 7 था ना, इसमें देखो जोड़ा बनाओ तो एक जोड़ा तो बन जा रहा 2 का, बाकी कोई जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है, तो जो जोड़ा बन जा रहा है वो तो 2 बाहर हो गया, इनका सबका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 × 5 = 10 × 7 = 70, तो ये 70 अंदर में ही रहेगा। ये एक प्रकार से दूसरी संख्या होती है जिसमें कुछ भाग का वर्गमूल हो जाता है और कुछ भाग का नहीं होता है, ये 35 और 36 से अलग था बिल्कुल, बात समझ में आई ना। जैसे आपने 35 का निकाला था तो 35 में 5 और 7 एक था, यानी कि कुल मिलाकर के 35 फिर से अंडर रूट में हो गया था पूरा, बट इसमें देखो आधा बाहर निकल रहा है कुछ ना। तो ये सभी संख्याओं के बारे में और ये सभी कार्यविधियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आज का ये क्लास जो है यहीं पर ख़त्म होगा। आपने देख लिया क्यूब, देख लिया क्यूब रूट, देख लिया वर्ग, देख लिया और वर्ग रूट भी देख लिया। जैसे एक नंबर हम आपको और भी बता दें क्यूब वाले में, कोई भी नंबर ले लो, 11 ग्राम में 121, 121 का 11 से करोगे 1331 आएगा,
अब अगर आपको इसका क्यूब रूट करना हो तो क्या करोगे? 1331 का बताओ कितना आएगा। इसका आप जब क्यूब रूट करोगे, पहले गुणनखंड करोगे तो 11 × 11 × 11 मिलेगा, और इसका आप 3 जोड़ा बनाओगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको काटने लगते हो, यहाँ पर गुणनखंड बहुत बड़ी बात होती है। 1331 जिन लोगों को नहीं याद है उनको इसको काटने में पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये किसी भी संख्या से पूरा तरह फिर नहीं कटता है। यहाँ पर काटने का मतलब ये है कि जैसे आपने 7 को 2 से भाग किया तो 2 3 6 आया ना, घटाने पे 1 आ गया, तो आप 7 को 2 से भाग यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में ये इसको 2 से काटना गलत है, क्योंकि वहाँ से शेषफल बच रहा है, ठीक ना। अगर आप इसको 7 को 7 से ही काटोगे, ये 7 जा नीचे 0 आया ना, तो अगर नीचे 0 आएगा वैसी स्थिति में आप इसको यहाँ काट सकते हो, मतलब 0 आना चाहिए, 7 1 7, ये तरीका सही है। तो इसको अगर आप किसी से भी नंबर से काटोगे पहले तो कटेगा नहीं, ये 11 से ही कटेगा। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हर एक क्लास को देखना, अगर किसी क्लास में कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल ना घबराना, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन अपना विश्वास को बना के रखना। ये सभी क्या है, इन्हें बोलते हैं क्या, एक प्रकार से परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं आप। और इसमें देखिए कुछ संख्या का क्यूब हो जाए और कुछ का ना हो, ऐसी भी कुछ संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 2 × 2 = 4 × 8 होता है ना, ज़रा गौर से देखना, 8 अगर हमने लिख दिया 16 और 16 का घनमूल बताओ, आप बताइए 16 का घनमूल होगा नहीं होगा? काहे नहीं होगा, जो कुछ नहीं होगा आपके सामने दिखेगा। 2 से काट 2 8 आया, 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2 और 2 से काटो 1, 4 × 2 = 2 का गुणा हो रहा है ना, तो कर लो आपके सामने ही है 2 × 2 × 2 × 2, इसमें क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाओ जल्दी से। तो ये आप एक पेयर तो बना लोगे, एक पेयर अगर आप बनाओगे 2 2 = 4 2 + 8 2 + 16 होता है ना, इसमें से 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, बट ये 1 2 तो अंदर में फंसा है ना, क्योंकि इसका तो कोई पेयर है नहीं। तो इसका अगर वर्गमूल करोगे, सॉरी घनमूल करोगे तो क्या आएगा, इसका घनमूल 2 × √2 आएगा, ये घन है, क्यूब है। अगर इसी का वर्गमूल की बात करें 16 का, तो बड़े प्यार से आ जाएगा ये, क्यों आएगा, क्योंकि वर्गमूल अलग होता है बिल्कुल। इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं और फाइनल में 2 पेयर बन जाएंगे, 1 2 इसमें से निकल जाएगा, 1 इसमें से निकल जाएगा, तो 4 आ जाएगा वर्गमूल। बात समझ में आई ना, एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा ये सब। और हाँ, अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप वास्तव में सीखना चाहते हो, दिल में आपके सीखने की चाहत है, तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, और इस नंबर पर आप ज्वाइन DL/ED लिख करके मैसेज करेंगे। और मैसेज करने के पहले हम आपको बता दें, आपको कंप्लीट DL/ED की चतुर्थ सेमेस्टर की मैथ के लिए 549 रुपये का पेमेंट करना होगा, क्योंकि हमारे जो असिस्टेंट लोग कार्य करते हैं भाई, उनके भी कुछ दुनिया है, कुछ सपने हैं, और हम भी कुछ और नहीं करते हैं, सिर्फ आपके लिए 24 घंटे वर्क करते हैं। तो ये सिर्फ आपको छोटा सा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ एक बार देना है, पूरे सेमेस्टर की मैथ के लिए आप आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे सारी क्लास मिलेगी, उसे आप YouTube पर देख पाएंगे। तो जिनको देखना है ठीक है देखिए, जिनको नहीं करना है बिल्कुल YouTube पर जो मिले देखते रहिए, 1 भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में देखो, चूँकि इंडिया वालों की यही तो विशेष पहचान है कि सब कुछ फ्री चाहते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हर किसी को पढ़ाइए, हर किसी को जागरूक करिए, जिससे कि कुछ दिन लाइफ और दुनिया और चल सके। तो इन बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 4:30 बजे से आपकी अगली क्लास होगी, उसको भी देखना आप लोग 4:30 बजे से। आपको ये वीडियो जो है PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर सुबह 4 बजे से, और दूसरा 4:30 बजे से, चूँकि DL/ED की 2 क्लास डेली होती है, ठीक ना। PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर 7:30 बजे से, माफ़ करिएगा, PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर 9:30 बजे से और 10:15 बजे से होता है। इसके अलावा फेसबुक पर आप इन क्लासों को देख सकते हैं, उसका टाइम अभी डिसाइड नहीं किया गया, आपको बता दिया जाएगा। तो ये 3 प्लेटफॉर्म पर आपकी क्लासें चलती हैं, सेम टू सेम, आप कहीं भी देखिए, कभी भी देखिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से जय हिंद जय भारत, देखते रहिए आपका अपना PVR स्टडी, और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, उन्हें भी जागरूक करते रहिए। थैंक यू।